सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मतदान प्रशिक्षण चल रहे हैं और 10 फरवरी से प्रथम मतदान होने जा रहा है, जिस हेतु प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी एवं पूरे बूथ के प्रभारी पीठासीन रहते हैं, उन्हें इस VVPAT CU और बैलेट यूनिट को किस प्रकार से जोड़ें, ये सभी प्रथम, द्वितीय और पीठासीन अधिकारी को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे इन बिंदुओं पर अक्सर मतदान अधिकारियों के द्वारा गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों के कारण इलेक्शन में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार की समस्याएं न उत्पन्न हो, तो आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए CU यानी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT को किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट यानी CU। CU EVM की मास्टर यूनिट है जो वोटों के रिकॉर्ड को स्टोर करती है। CU के सामने वाले भाग में 5 अलग अलग खंड हैं। पहला डिस्प्ले सेक्शन, सेकंड बैटरी पैक सेक्शन, थर्ड कैंडिडेट सेक्शन, फोर्थ रिजल्ट सेक्शन, फिफ्थ बैलेट सेक्शन। CU की मेमोरी 2000 वोट की है। CU की मेमोरी में वोट का रिकॉर्ड 10 वर्ष से भी अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब ये जो 5 भाग हैं साथियों, इस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। सबसे ऊपर देख पा रहे हैं डिस्प्ले सेक्शन, ये आपको स्क्रीन है डिस्प्ले सेक्शन। उसके जस्ट नीचे बिजी लैम और इस साइड लेफ्ट साइड में ऑन लैम और ये कैंडिडेट सेट सेक्शन। ये जो आपका सीलिंग है, ये बॉक्स ऊपर से कवर बंद है। बैटरी सेक्शन ये आपकी लेफ्ट साइड है और लेफ्ट साइड में क्लोज और इधर रिजल्ट सेक्शन राइट साइड पे और राइट साइड पे आपके सबसे नीचे है बैलेट बटन और बैलेट सेक्शन और इस प्रकार से टोटल बटन। टोटल बटन से यहाँ पे टोटल यहाँ से आप वोट चेक कर सकते हैं कि कितने आपने जो है वोटिंग हुई, मतदान हुआ। और बैलेट देने के लिए जैसे जो भी मतदान करने आता है जो कैंडिडेट, तो यहाँ पर बैलेट बटन से ही जो है आपके तृतीय मतदान अधिकारी यहाँ से सिग्नल देते हैं बैलेट यूनिट में, तो यहाँ से आपका बैलेट सेक्शन आता है। तो और रिजल्ट सेक्शन में अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आएंगे आप। तो ये आपका CU का कंट्रोल यूनिट है। इसके पश्चात CU के पिछले हिस्से में एक कंपार्टमेंट जिसमें शामिल है ऑन ऑफ स्विच, 9-पिन डी कनेक्टर और CU का पावर पैक 75.5 वोल्ट का है। अब साथियों, इसको भी थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करते हैं और देखते हैं। इस प्रकार से ये आपका स्टैंड में रखा रहता है। सबसे ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे सॉकेट फॉर प्लगिंग इंटर कनेक्टिंग केबल फॉर VVPAT 9-पिन। VVPAT की जो केबल होगी यहाँ पर इसको CU से कनेक्ट करेंगे और पावर ऑन, जब इसका बैटरी हम ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर पावर ऑन की स्विच है और इसको ऑन कर देंगे। रियर साइड कवर, ये प्लगिंग करके ये कवर को हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। ये बैक स्टैंड हो गया नीचे, तो ये आप देख पा रहे हैं कंट्रोल यूनिट, ये आपकी सॉकेट का है और ये बैटरी पावर पैक का टॉप व्यू है। इस प्रकार से ये पहचान आप कर लेंगे। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा साथियों, कंट्रोल यूनिट में किस प्रकार से लगाते हैं। अब बात करते हैं बैलेट यूनिट यानी BU की। बैलेट यूनिट
एक ऐसी इकाई है जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कार्य करता है। बीयू में क्या क्या शामिल है? इंटरकनेक्टिंग केबल, 5 मीटर का केबल इसमें लगा रहेगा, बैलेट पेपर लगाने का स्क्रीन का प्रावधान, पावर पैक लगाने का प्रावधान, यदि 4 से अधिक बीयू का उपयोग किया जाता है, उम्मीदवारों के बटन एवं लैम्प, जो 16 नंबर आपके उम्मीदवारों के रहते हैं और जो आपका 17वां ये एक आपकी जो है नोटा की बटन रहेगी, रेडी लैम्प और थंब स्विच विंडो। तो इसको भी आप देख पा रहे होंगे बड़े से रेडी लैम्प, यहाँ पे जब रेडी जो तृतीय मतदान अधिकारी वहाँ सिग्नल देंगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल जाएगी और रेडी शो करेगा। तो जब रेडी शो करेगा तो जिस भी कैंडिडेट को आप वोट करना चाहते हैं यहाँ से आप उनके सिंबल दिए रहेंगे और सिंबल के सामने की बटन को आपको प्रेस कर देनी है और जैसे ही करेंगे तो बीप की आवाज़ आएगी और इस प्रकार से कैंडिडेट्स बटन 16 नोज ये दिए गए हैं और कैंडिडेट सीरियल नंबर्स, उनके आइडेंटिफिकेशन, ये पहचान भी दिए जाएंगे और ये इनकी इंटरकनेक्टिंग केबल रहेगी। बैलेट पेपर सेक्शन ऊपर से लगा रहेगा, इस कैंडिडेट के नाम भी रहेंगे और उनका कोडिंग रहेगा और पहचान चिन्ह रहेगा। तो ये साथियों आपकी जो है बैलेट यूनिट हो गया। बैलेट यूनिट का सेक्शन में और देखिए बीयू के पिछले हिस्से में शामिल क्या रहेगा? कनेक्टर कंपार्टमेंट, 9 पिन का कैस्केडिंग स्टिक मिलान के लिए अगर 1 से अधिक बीयू का उपयोग किया जाता है तो, बैटरी कंपार्टमेंट 7.5 वोल्ट बैटरी सीयू के समान ही रहेगी, जो कंट्रोल यूनिट में बैटरी लगेगी वही आपकी इसमें बैटरी यूज की जा सकती है। बैटरी 5वें, 9वें, 13वें, 17वें और 21वें में सम्मिलित किया जाना है। 9 पिन डी कनेक्टर के साथ 5 मीटर केबल, बीयू केबल में स्प्रिंग क्लिप है जो लाल और काले रंग को आप प्रेस करके इसको सेट करेंगे, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे ये केबल है और ये हुड रहते हैं, हुड को पकड़ करके आपका रेड स्प्रिंग और इधर ब्लैक स्प्रिंग दोनों होती है, दोनों को प्रेस करके धीरे से 9 पिन मेल कनेक्शन में इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये हिसाब देख पा रहे होंगे, इधर ये बैटरी सेक्शन है किस प्रकार से कहाँ क्या फीड करना है, ठीक है। इसके पश्चात वीवीपैट में आते हैं। वीवीपैट मतदाता सत्यापन के लिए थर्मल पेपर बैलेट स्लिप पर मतदाता के मताधिकार को प्रिंट करती है। यहाँ पर जिस पे मतदाता वोट करेंगे वहाँ पे स्लिप उनकी प्रिंट होगी, वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। मतदाता स्वयं द्वारा डाले गए वोटों की पुष्टि वीवीपैट की स्क्रीन में प्रदर्शित पर्ची को देखकर कर सकते हैं। कि वीवीपैट की विशेषताएं, M3 मॉडल, 56x99 mm, आकार की बैलेट स्लिप प्रिंट करता है, बैलेट के साइज है, बैटरी पैक पर काम करता है 22.5 वोल्ट 4Ah की, 150 मीटर तक लंबाई के पेपर रोल को समायोजित करता है। जो उसके पेपर रोल रहेगा तो ये आप नीचे साइड उसका सिंबल देख रहे हैं ए नंबर पे, ये आप पेपर रोल कंपार्टमेंट भी देख सकते हैं किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर रोल लगा रहेगा। पेपर रोल कंपार्टमेंट एक भाग रहेगा, 4 कंपार्टमेंट होते हैं, मतदाता पर्ची का ड्रॉप बॉक्स होगा जिस पे वो पर्ची उस ड्रॉप बॉक्स में गिरती जाएगी, बैटरी कंपार्टमेंट और चौथा कनेक्टर कंपार्टमेंट। तो इस प्रकार से ए और बी, सी और डी, ये 4 कंपार्टमेंट हैं, आपको देख पा रहे होंगे ये अलग अलग यूज हैं इनके। वीवीपैट स्क्रीन जिससे मतदान के बाद मतदाता अपने मत की पुष्टि कर सकता है, ये स्क्रीन यहाँ पे ग्लास का वो लगा रहता है तो उस पर आप देख सकते हैं कि पर्ची में लिख करके उस सिंबल बन करके आ जाता है किस मतदाता को आपने वोट किया है। M3 EVM की सुरक्षा संबंधी विशेषताएं, ये आपको एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप, सबसे उन्नत इंटीग्रेशन, अन्य विशेषताएं ये आप देख सकते हैं और इसके पश्चात आगे हम दिखाते हैं जो जो समस्याएं होती हैं उसके समाधान के। जब मतदान कर्मी वहाँ पे EVM वीवीपैट रिसीव करेंगे, साथियों लेंगे, तो उस समय क्या क्या ध्यान देना है वो इन बिंदुओं को विशेष तौर से नोट कर लीजिएगा एक डायरी में।
पीठासीन अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ संबंधित वितरण केंद्र पर जाएंगे। वो वहाँ पर पोलिंग पार्टी को एक CU, एक VVPAT एवं आवश्यक संख्यानुसार BU दी जाएगी, जो कैरिंग बॉक्स में होगी। इसके साथ साथ संबंधित स्टेशनरी भी प्राप्त करेंगे। कैरिंग बॉक्सों पर लगे पता एड्रेस टैग से मिलान करें और CU, VVPAT, BU आपके मतदान केंद्र से संबंधित ही हो। पीठासीन अधिकारी कैरिंग बॉक्स को खोलकर CU, BU, VVPAT को एक एक करके बक्सों से बाहर निकालेंगे, फिजिकली चेक करेंगे। फिजिकली यानी सामने से उसको देख करके, एक एक ऑब्जर्व करके ही उसको देखेंगे। सभी बटन, कनेक्टर्स, डोर्स, प्लास्टिक बॉडी, केबल, लेचेज, स्प्रिंग क्लिक, पेपर रोल, लॉक, अनलॉक, नॉब, सिलेक्शन स्विच, सीलिंग प्रोविजंस ओके हों, ये विशेष रूप से तीसरा बिंदु और भी ध्यानपूर्वक देखें। चौथे में साथियों चेक क्या करना है, BU, VVPAT, BU पर RO के द्वारा एड्रेस टैग के साथ बैटरी सेक्शन, कैंडिडेट सेक्शन, पेपर रोल कंपार्टमेंट BU का बैलेट सेक्शन सम्यक रूप से दृढ़तापूर्वक सील्ड है। BU और CU को पिंक पेपर सील क्षतिग्रस्त ना हो। EVM VVPAT पर और क्या ध्यान देना, पांचवा पॉइंट, प्रत्येक BU पर थंब व्हील स्विच ग्लास शीशा से प्रथम बैलेट यूनिट के लिए एक पर व दूसरा बैलेट यूनिट के लिए दो पर सेट हो, नंबर शीशा से साफ दिख रहा हो। जब भी आप देखेंगे कि दो बैलेट यूनिट अगर आप ले जा रहे हैं अपने बूथ के लिए, मध्य स्थल के लिए, तो आपको एक और दो नंबर वहां पर शो होना चाहिए। BU पर मतपत्र बैलेट पेपर की स्क्रीन के नीचे सम्यक रूप से पंक्तिबद्ध होकर लगा हो और मतपत्र के अनुसार ही नोटा सहित नीले बटन खुले हों। सारे बटनों को चेक कर लें कि जो उम्मीदवार हैं उनके बटन पंक्तिबद्ध लगे हुए हैं या नहीं हैं और नोटा भी खुला हुआ है। CU को ऑन करके चेक करें कि और बैटरी हाई में है या नहीं है। कैंडिडेट टाइम और डेट तथा CU का सीरियल नंबर ओके हो, वो आप चेक कर लें। चेक करें कि VVPAT में बैटरी फिट के सिलेक्शन स्विच नंबर 1 पर हो, पेपर रोल लुक अनलॉक नॉब हॉरिजेंटल लॉक पोजीशन में हो। फिजिकली चेकिंग होने के बाद CU, VVPAT, BU को वापस कैरिंग बॉक्स में रखें। वोटिंग यूनिट को आपके जो प्रथम मतदान अधिकारी होंगी अपनी टीम के साथ संबंधित वाहन में बैठकर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। फिजिकली चेकिंग में यूनिट में कोई भी कमी या खराबी होने पर आप सेक्टर ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ARO को तुरंत सूचित करें। ओके यूनिट ही मतदान के लिए लेकर जाएं। VVPAT को समतल सतह पर सीधा रखें, उल्टा पुल्टा ना करें। वायरिंग वितरण के समय या मॉक पोल से पूर्व VVPAT को किसी भी स्थिति में टेस्ट ना किया जाए, क्योंकि जारी किया गया VVPAT पहले से ही जांचा परखा हुआ है, ये वार्निंग दी जाती है। और इस प्रकार से आपको और भी बताया जा रहा है कि जो समस्याएं आएंगी आप बने रहिए हमारे साथ।